नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अब मुलाजिमों में क्लास नहीं, ग्रुप होंगे। प्रदेश वित्त विभाग ने कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स लेवल के साथ स्पष्ट की स्थिति, बदली प्रक्रिया। हिमाचल में सरकारी सेक्टर में अब कर्मचारियों और अधिकारियों में क्लास के बजाय ग्रुप के जरिए वर्गीकरण होगा। पहले सरकारी क्षेत्र में क्लास वन से क्लास फोर तक वर्गीकरण होता था, अब भारत सरकार और पंजाब वेतन आयोग को हिमाचल में लागू करने के बाद इस प्रक्रिया को बदलना पड़ा है। नए वेतन आयोग में कर्मचारियों का वर्गीकरण क्लास के बजाय ग्रुप्स में किया गया है। वित्त विभाग ने भी ग्रुप ए से ग्रुप डी तक कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स का लेवल भी तय कर दिया है। जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार ग्रुप ए में लेवल 16 से लेकर लेवल 31 तक के पे मैट्रिक्स वाले अधिकारी आएंगे। ग्रुप बी में लेवल 11 से 15 तक के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जबकि ग्रुप सी में लेवल 3 से लेवल 10 तक के कर्मचारी दायरे में लिए गए हैं। इसी तरह आखिरी ग्रुप भी है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मचारी ही आएंगे। ऑफिस मेमोरेंडम में ये भी साफ किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी कैटेगरी को इससे पहले कोई क्लास या स्टेटस राज्य सरकार की ओर से स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत दिया गया है तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा और वह नए वर्गीकरण में भी बरकरार रहेगा। ये आदेश वित्त विभाग के संयुक्त सचिव राजेंद्र शर्मा की ओर से जारी किए गए हैं। गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ निदेशालय का एक बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने की। गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रविंद्र मेहता ने बताया कि महासंघ की प्रशासन के साथ बैठक लगभग 6-7 वर्षों के बाद आयोजित की गई। निदेशालय इकाई ने 24 सूत्री मांग पत्र प्रशासन को सौंपा, जिस पर विस्तारपूर्वक व सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि सारे मुद्दे निदेशालय स्तर के थे, जिस पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया है कि इन कार्यों को जल्द निपटाया जाएगा। बैठक के मुख्य बिंदुओं में निदेशालय की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, कार्यालय के भवनों का रखरखाव, कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था को ठीक करना और कार्यरत कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग प्रदान करना मुख्य मुद्दे शामिल थे। बैठक में रविंद्र मेहता, विनोद शर्मा, विनोद चौहान आदि उपस्थित रहे।